गाजा के सबसे बड़े शरणार्थी क्षेत्र जबालिया में इजरायली सेना और फिलिस्तीनी लड़ाकों के बीच भीषण लड़ाई जारी है। इजरायली सेना टैंकों और बख्तरबंद वाहनों से लड़ाकों व आबादी वाले क्षेत्रों पर हमले कर रही है और लड़ाके एंटी टैंक रॉकेट और मोर्टार से जवाब दे रहे हैं। जबालिया में गलतफहमी के चलते हुई इजरायली टैंक की गोलाबारी में इजरायल के ही 5 सैनिक मारे गए और 7 घायल हुए हैं। इस बीच रफा में भी लड़ाई जारी है और वहां पर इजरायली सेना धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। रफा से करीब 6 लाख बेघर फिलिस्तीनियों के ठिकाना छोड़कर अन्य स्थानों पर जाने की सूचना है। 7 महीने की लड़ाई में आधुनिक हथियारों से लैस इजरायली सेना हमास और इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों को हरा नहीं पाई है। इसराइल ने कहा है कि गाजा से हमास के खात्मे के बाद ही वहां का सैन्य अभियान रुकेगा, जबकि अमेरिका ने कहा है कि इसराइल का ये लक्ष्य मुश्किल है और इसकी प्राप्ति में उसे अभी और कई महीने लग सकते हैं। गाजा में बनी भूमिगत सुरंगों से निकलकर फिलिस्तीनी लड़ाके इजरायली सैनिकों पर अचानक हमले कर रहे हैं और गायब हो जा रहे हैं। 7 महीने के युद्ध में इजरायली हमलों में गाजा में अभी तक कुल 35,272 फिलिस्तीनी मारे गए हैं।